हाँ वेनेस वेने होती है यार, बट पाकिस्तान के मैच देखने का एक तरीका होना चाहिए, ईसीजी के सारे मशीनरीज लगनी होनी चाहिए और सारा हार्ट रेट आपको मॉनिटर होना चाहिए उस वक्त, क्योंकि ये ऊपर नीचे करते रहते हैं सी। तो ऑब्वियसली अगेन आपका मिडिल ऑर्डर कलैप्स किया अपार्ट फ्रॉम बाबर, और हमारी किस्मत अच्छी थी, ये 130 नहीं था, 12 टच टू लेट, और जीत गए, बहुत अच्छा लगा। और पाकिस्तान ने ये छोटा सा क्लिप, आगे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच है उनका इस वर्ल्ड कप का, कितने संघर्ष के साथ जीता, और बाबर आजम नॉट आउट रहे, साथ ही साथ लोअर ऑर्डर ने सपोर्ट किया, नहीं तो ये मैच मुझे लग रहा था फंस ना जाए। और अगर थोड़ा सा आयरलैंड 120-130 रन कर देता तो सीरियसली ये मैच फंसना था, और पाकिस्तान शायद अपना लास्ट मैच अगर आयरलैंड से हार के जाता तो डेफिनेटली बहुत ही, मतलब ये बहुत ही एज अ इंडियन हमारे लिए काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज बनती और हम काफ़ी ज़्यादा मज़े लेते सोशल मीडिया में। सीरियसली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूँ। एरन हॉलैंड अलॉन्ग विद शोएब अख्तर, मार्टिन गप्टिल, यूनुस खान, मोहम्मद हफीज, जेंटलमैन, वेलकम बैक टू गेम ऑन है जी। इट्स अनदर डे, अनदर पाकिस्तान टीम पुलिंग अनदर पाकिस्तान, यू नो 106 वर ऑन द बोर्ड। उर्दू में चले, थोड़ा सा इमोशनल होके करें या क्या, सेंटिमेंट भी समझ में नहीं आ रहा। आयरलैंड 106 ऑन द बोर्ड था, स्ट्रेट फॉरवर्ड चेस थी शुएब वंस अगेन, बट पाकिस्तान वी वेंट फ्रॉम 52 for 2 टू 62 for 6, वी मेड इट डिफिकल्ट फॉर आवरसेल्व्स, बट इन द एंड विन इज अ विन। हाँ विन इज विन होती है यार, बट पाकिस्तान के मैच देखने का एक तरीका होना चाहिए, ईसीजी के सारे मशीनरीज लगनी होनी चाहिए और सारा हार्ट रेट आपको मॉनिटर होना चाहिए उस वक्त, क्योंकि ये ऊपर नीचे करते रहते हैं सी। तो ऑब्वियसली अगेन आपका मिडिल ऑर्डर कलैप्स किया अपार्ट फ्रॉम बाबर, और हमारी किस्मत अच्छी थी, ये 130 नहीं था, 12 टच टू लेट, और जीत गए, बहुत अच्छा लगा। और पाकिस्तान ने अपनी एक थोड़ी सी वो जो होती है ना, वो कहते हैं इसे थोड़ा सा दिखाया है, अकड़ दिखाई है बॉलिंग में कि हम कमांड करते हैं, हम जी हम छा जाते हैं, तो अच्छा था। सो बॉलिंग एरिया माद ने आपके सामने ही बॉलिंग कर ली, शाइन ने आपको 3 विकेटें ले दी, अब्बास का आपने देखना था, बट अगेन नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव विन, बट अगेन इट्स अ विन, नॉट द वे यू वुड लाइक टू विन इट, बट अगेन पाकिस्तान इज बीइंग पाकिस्तान एज यू सेड इट। तो हमारे हर हल्का सा हार्ट अटैक हमें देना होता है, मुझे लगा एक टाइम पे यार खुदा का वास्ता चलाना दे, मैं फीस को यार था, मैं चलाने चाहिए इनको, वो उसने एक दो बोले बाद में ही सुनी, लेकिन चला दी उसने, वो लग गई, तो शुक्र है काम चल गया, अब आ रहे हैं वापस इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं क्या होता है। चलिए, इंटरेस्टिंग कमेंट्स बाय द कैप्टन एट द पोस्ट मैच एज वेल, वी विल ऑफ कोर्स टेक अ लुक एट व्हाट बाबर आजम सेड, he wasn't very calm in the at the toss as well, he was appearing a bit confused, but his thoughts in the end were very clear. He said, we did make some batting mistakes in the tournament and we might have performed as individuals but not as a team, so that's one of the areas where he was reflecting. Martin, what were your thoughts watching this not just this isolated match, but of course Pakistan through the tournament played very similar to what they were doing today against Ireland, and do you agree with Babar Azam saying there were individual performances but not as a team? Yeah, I guess the biggest concern moving forward was probably the batting side of things. No one took responsibility with the bat to be the match winner or anything like that, and I think if we look back, the bowling was very good. All the bowlers bowled extremely well, the seam bowlers were very good, but the batting was a major concern. Someone needed to step up and say, I'm going to score some tough runs, I'm going to dig deep, I'm going to take responsibility for what's happening, but no one really did. Probably 32 is almost their highest score in the tournament as an individual score, wasn't it? So now it shows you that, one, they've been difficult pitches, but two, no one's really wanted to take that responsibility on to carry the team. So that could be something they look at moving forward, is, you know, who's going to take responsibility, because someone has to, and that they need it for the next series. Who's going to be that person to stand up? And not just that person to stand up, but as you said,
T20 cricket is a team game. They needed performances from everyone. I thought the bowlers did exceptionally well today to keep it to such a low target. Yeah. And, you know, once again, we're chasing not even a runner ball in this instance. 107 was all that was needed on the ball today. And Yunus Khan, it was Abbas Afridi who actually stuck there long enough with Bubba to get the job done. And then, yes, Shaheen Shah Afridi came in and finally hit a couple of sixes to end the terror that I think we were all thinking at one point, when it just felt like it couldn't happen again. But good temperament actually by the youngster to stick there and get the job done. What were your impressions on the chase in particular today? For me, it should be easy chase when you have Babar Azam and Mohammad Rizwan. They have the both are the top ranking players, especially in these conditions and this T20s. But, you know, the main concern is that it's not about individual performance. Sometimes it is also depend on team combination and team form too. So I think that was the reason. That's why they all was in double-minded what will be, you know, happen with them. And that's how you not perform accordingly. So I think it's not about only about my performance or, you know, the bowler or the batsman. Sometimes it is the team performance too and the team form too. So that's why it's happened like that. Yeah. Lucky to get the job done in the end. The Irish made such a good go at almost defending such a low total, Professor. You know, we all had our hearts in our mouths in the green room watching the very end of that game. What was going through your mind? And, you know, when Pakistan went wayward once again in the chase, where did it all go wrong, in your opinion, in that playing 11? Well, the two underperformed teams were playing tonight. And finally, after the end of this match, we can pick the most underperformed team, and that is Ireland at the moment. So Pakistan was nearly close to that, but I feel somehow with the luck, and also I would say a good batting by Babar Azam, because he holded himself. That was a requirement of the team at this moment, because we wanted someone to stay there as a batsman, and that's what Babar did. So finally, Pakistan, obviously, it's one of the game which obviously will break more hearts of the Pakistan fans, because we never wanted to see it this way. Yes, the campaign of Pakistan in this tournament was not up to the mark. They were totally underperformed. But this win will also give us nothing. The way they batted, the way they won. But anyway, let's receive them with a great heart, because at the moment, no matter whatever performance comes out, they belongs to us. Yeah. And we need to rectify the issues, whatever, in the right possible way. And then see how the management will take this on board and how they make a right decision for Pakistan cricket moving forward, because clearly it's not the players only, it's the management also behind the scene, who never comes up, as I mentioned a couple of times earlier, they have to come up and take the responsibility of this debacle at the moment and then make the right decision. There is no harm. There's always a time when you have to raise your hand up, because the more higher designation you hold, the more accountable you are, the more responsible you should be. This is how the life has to be. But if you will hide under this performance and you will only come up in front of the media, in front of the people for only taking credit, it's not right. So at the moment, I think I don't have too many words. What are the solutions? But at least one solution should be that the management behind it should take the responsibility. And once again, Rohai, it was the batting that sort of almost was the downfall of Pakistan. The bowling was exceptional. जी तो भाई अगर क्या उनके लिए ये priorities क्या थी? ये अच्छा उन्होंने कहा होगा कि यार मैं available हूँ, मेरी already एक contract है, तो आपकी क्या priorities होनी चाहिए? जब आप मुझसे एक बात कर रहे हो, अब मैं आपके लिए आ रहा हूँ यहाँ show में, और मैं कहूँ नहीं मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि मेरा already contract है, तो फिर मैं on board क्यों हूँ आपके? तो ये एक point है कि जब आप वो granted लेते हो, जो जो टीमें वो ग्रांटेड लेती हैं, जो पर्सन ग्रांटेड लेती हैं और जो जो एसोसिएशन ग्रांटेड लेती है, तो बाद में रिजल्ट भी तो ऐसे आएंगे ना। आई थिंक हेड कोच ने भी बहुत लेट ज्वाइन किया। आई डोंट थिंक हम उनको नहीं गलत है ना, क्यों लेट क्यों ज्वाइन किया? वो कोई उनके कमिटमेंट आपको नहीं रखते, फिर उसी पूरे वर्ल्ड कप में ही आप उनको नहीं रखते ना, तो जो जैसे चल रहा था तो वैसे चलने देते। अब वो आके स्टेटमेंट अगर मैं आके दे दूं इन बिटवीन में और आपके मिडल ऑफ दी शो के मैं आ जाऊं और मैं कहूं ये भी ठीक नहीं है, इसकी ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो भाई मैं पहले आके ठीक कर लेता।
तो ये जो एक पॉइंट है, देखिए पाकिस्तान की टीम है, किसी क्लब की टीम तो है नहीं, किसी गली मोहल्ले की, जो थोड़ा हार्ड लव्ज हो वो हार्श हो जाएगा, गली मोहल्ले की टीम तो है नहीं कि मैं अब आपके बैठ के ये बात करूंगा भाई जिसने नहीं आना वो ग्राउंड में बैठ जाए, घर पे बैठ जाए या होटल में बैठ जाए, जो टीम के लिए खेलेगा वो बस में बैठेगा। भाई ये पाकिस्तान की टीम है, ये प्राइड है। हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे हैं, शाहिन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं, बल्कि वो जो एक प्लेयर है जो पहला टूर पे है जिसने अभी एक मैच भी नहीं खेला, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो यही हम यहाँ बैठ के हमें थोड़ा सा कंट्रोल एग्रेशन शो करना है। सिंपल पॉइंट है कि देखिए ये तो हमारे प्लेयर्स हैं, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं हर हाल में। अगर हम बाबर की बात कर रहे हैं, रिजवान की बात कर रहे हैं, बॉलर्स की बात कर रहे हैं, बैटर्स की बात कर रहे हैं, फील्डर्स की बात करें, कैप्टनसी की बात करें, तो ये तो आज से तो ऐसा नहीं हो रहा, काफी अर्से से हो रहा है। ठीक है, इन्होंने हमें मैचेस भी जितवाए हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप गलती करने के लिए क्यों देते हो, और मेरा पॉइंट है कि आप उनको एक्सपोज करने के लिए मौका क्यों दे रहे हैं। भाई नहीं करें एक्सपोज, पहले से सेट करके जाएं, पहले से आपका कोच जो है वो 3 हफ्ते पहले यहाँ बैठा हो, प्लेयर के साथ कैंप में हो, सीरीजों में हो। ठीक है, अब उसकी अब जाहिर सी बात है कि देखिए मेरी जो एक अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगी आपके साथ, जो मेरी जगह हफ्ते बाद कोई और बैठा होगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगी। Weeks and months of planning. ऐसा ही है, ऐसा ही for a World Cup, for a team to be ready for the pressure and challenge of World Cup. And you have a point that of course when Gary Kirsten joined just weeks before the World Cup kicked off, I think it gave Pakistan very little time to prepare and of course adjust to that new direction. But I think a lot of people will need to take accountability. Need to as fans and as media, we like finding. उनको space दें. We shorter solutions for shorter terms, and I think that will not be something that will hold permanently, especially when you're trying to prepare for a World Cup, Erin. Yeah, and I think at the end of the day, Pakistan's unfortunately in a position where. अगर आपकी priority पाकिस्तान खेलना है या अपनी national team से खेलना है, तो फिर आप league खेलने क्यों जाते हो? आप छोड़ दो league. जिन्होंने बात की है कि यार ऑप्शन तो आपके पास है ना, व्हेन यू नो दैट देयर इज इंटरनेशनल बिग स्टेज इज अबाउट टू बी देयर, एंड इफ आई मूव अराउंड एज इंटरनेशनल प्रो एंड प्ले ऑल इंटरनेशनल लीग एंड देन आई कंप्लेंड आई गेट एक्सक्यूज आफ्टर नॉट परफॉर्मिंग वेल अंडर परफॉर्मिंग, देन आई से दैट आई एम फटीग, I was not mentally ready, not having a game time. So that is your responsibility to be available for the right time. We saw last year Naseem Shah's injury that came right before the Asia Cup as well. In the World Cup, it was affected, and then even then there was a lot of talk about whether it if it's safe and you know logical for a player, for a key premier bowler to be playing in all these leagues right ahead of a big tournament. Who knows? You know, teams might be playing a lot more in America. You know, I'd love to see more tri series. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आज पाकिस्तान ने अपना लास्ट मैच आयरलैंड के साथ जिस हिसाब से जीता है, सीरियसली मतलब यार, अगर इस हिसाब से मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान इतनी बुरी टीम नहीं है, इनके साथ ऐसा सीन हुआ कि इनको न्यूयॉर्क का जो पिच था वो एक्चुअली में उसको ये अडॉप्ट नहीं कर पाए, और पहला मैच थोड़ी सी गलती हुई जो डैलास में खेला गया था US के खिलाफ, उसमें इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की जिसकी वजह से वो मैच हारे। बट आयरलैंड के साथ अगर इनका मैं बता रहा हूँ, अगर US उस दिन मैच हार जाता, नेट रन रेट पे मामला पहुँचता, तो ये तो वैसे ही बाहर हो जाते जिस तरीके से आज इन्होंने खेला है, इनकी तो नेट रन रेट वैसे ही ख़राब हो जाती और सीन इनके साथ कुछ उल्टा हो जाता तो ये लोग तो वैसे ही बाहर हो जाते जिस हिसाब से आज इन्होंने खेला है। तो पाकिस्तान की टीम में मुझे नहीं लगता कि इतनी बुरी है, पाकिस्तान की टीम में सीरियसली इतनी बुरी नहीं है, बट इन्होंने बहुत गंदा खेला है। ऐसा कुछ सीन इंडिया के साथ 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हुआ था जो कि UAE में था, अगर आपको याद हो। उसमें क्या सीन हुआ था, पाकिस्तान उसमें सेमीफाइनल हारा था, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हसन अली ने कैच छोड़ा था, फिर शाहिन अफरीदी को 3 छक्के लगातार मारे थे मैथ्यू वेड ने, और वो मैच ऑस्ट्रेलिया मतलब एक बहुत टफ मैच था, लेकिन उन्होंने एक बहुत लाजवाब मैच जीता था। और ऐसे ही कुछ सीन आज क्रिएट हुआ था स्कॉटलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही ज़बरदस्त खेला। तो वर्ल्ड कप आप समझ जाएं कि कल फाइनल हो जाएगा कि इंडिया के ग्रुप में बांग्लादेश आएगी या नीदरलैंड आएगी। मुझे लग रहा है बांग्लादेश के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि उनका मैच नेपाल के साथ है। अब देखते हैं कल क्या होता है, सुबह 5 बजे से, मतलब आज सुबह 5 बजे से मैच है। पाकिस्तान अब वापस आ रहा है, पाकिस्तान का नेक्स्ट इवेंट है ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जो कि है पाकिस्तान में, और सीरियसली बता रहा हूँ मुझे पता नहीं, ऐसा अंदर से लग रहा है कि पाकिस्तान उस इवेंट में बहुत कुछ बड़ा करेगा क्योंकि वो पाकिस्तान में टूर्नामेंट है। और लास्ट जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी 2017 में, उसका विनर पाकिस्तान रहा है, और उस टाइम पे भी पाकिस्तान को कोई भी कुछ मतलब भाव नहीं दे रहा था।
और उस टाइम पे भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसे मैचेस जीते थे, मतलब आपको याद होगा श्रीलंका के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, इंडिया से फर्स्ट मैच हारने के बाद, कि फिर एक कुछ ऐसा कुछ सीन घटता गया और पाकिस्तान एकदम से सेमीफाइनल पहुंचता है, इंग्लैंड को हराता है, फाइनल पहुंचता है, इंडिया को ध्वस्त कर देता है। तो इनके लिए नेक्स्ट टारगेट है चैंपियंस ट्रॉफी, और ऑब्वियसली बड़े इवेंट हैं तो पाकिस्तान जैसी टीम ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी क्रिकेट का जो क्रेज़ है इतना कम हो रहा है, और इस बार देखते हैं होता क्या है वर्ल्ड कप में। इंडिया एज अ इंडियन फैंस, हमें भी इंडियन टीम से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इतनी बार झटका लग चुका है ना, अभी जो 19 नवंबर 2023 के झटके से नहीं उभर पा रहे हैं, और उसके पहले फिर आपको याद है T20 वर्ल्ड कप का शायद सेमीफाइनल हारे थे हम इंग्लैंड से 10 विकेट से, उसके पहले फिर टेस्ट चैंपियनशिप के कितने फाइनल हो चुके हैं अब तो गिनती भी भूल गए, फिर उसके पहले 2019 का सेमीफाइनल MS धोनी का रन आउट, मतलब नॉकआउट के बहुत बड़े चोकर्स बन चुके हैं हम, और ज़्यादा उम्मीद मत रखो, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, उम्मीद नहीं रखोगे तो शायद जीत जाएं, और उम्मीद रखोगे तो फिर झटका लगेगा। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में कॉमेंट करिए। इंडिया का नेक्स्ट मैच है 20 को, फिर 22 को, फिर 24 को अफगानिस्तान के साथ, 20 को है, 22 को शायद बांग्लादेश से हो, 24 को ऑस्ट्रेलिया से हो, फिर उसके बाद शायद 26 को सेमीफाइनल, 29 को फाइनल। तो उम्मीद ना रखिए तो जीतेंगे, और उम्मीद रखेंगे तो झटका लगेगा। जय हिंद।